उदाहरण 12। सिद्ध कीजिए कि स्वयं दिबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। हल: त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी तथा एबी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त बीसी को बिंदु डी पर काटता है। चूंकि वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है, इसीलिए हमारा कोण ए डी बी जो है 90 अंश है। परंतु कोण ए डी बी धन कोण ए डी सी इन दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होगा। यह हमारा किसी रेखाखंड पर एक किरण जब होती है तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश रेखीय युग्म होता है। तो यहाँ पे हमने BD जो है एक रेखाखंड जो है वह BC पर है, तो यहाँ पे रेखीय युग्म हमने लगाया का रेखीय युग्म का प्रयोग किया कि कोण ADB धन कोण ADC बराबर 180 अंश रेखीय युग्म। अब ADB जो है हमने 90 अंश लिया है तो उसका मान हम 90 अंश लेंगे। समकोण वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। धन कोण ADC बराबर 180 अंश या कोण ADC बराबर 90 का पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 90 बराबर 90 अंश। अब हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि AB और AC जो है दिया हुआ है कि AB रेखाखंड AB का मान जो है AC के बराबर है, यह दिया है। उसी तरह से AD और AD जो है AD बराबर AD जो है वो हमारा उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है और उसके बाद हम देखते हैं कि कोण ADB बराबर कोण ADC जो कि 90 अंश है, तो इसलिए त्रिभुज ADB जो है सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC से। यहाँ पे हमने समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता समकोण 90 अंश, फिर कर्ण है हमारे पास AB बराबर AC कर्ण है और भुजा जो है हमारा AD उभयनिष्ठ भुजा, तो हमने यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता
समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का प्रयोग कर दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताया है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर डी सी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर है। इस तरह से हमने यह बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं में से किसी एक भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त त्रिभुज के आधार को समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से हमने बी डी बराबर डी सी बताया है, यह इस उदाहरण का हल होगा।